सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको रेक्टिलिनियर मोशन का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब चलिए इस पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखते हैं। सो द क्वेश्चन इज, अ सिस्टम ऑफ टू पुलीज इज शोन इन फिगर, फाइंड द रिलेशंस कनेक्टिंग द डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स ए एंड बी। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो ब्लॉक दिए दिख रहे हैं, यहाँ पे ब्लॉक ए एंड बी, इनके वेलोसिटी एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन हमको निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास एक सपोर्ट है, सपोर्ट से ब्लॉक ए का डिस्टेंस एक्स ए है, आप देख सकते हैं। पुली का, पुली पी का सेंटर पॉइंट का डिस्टेंस है सपोर्ट से एक्स पी, एंड पुली क्यू का जो सेंटर पॉइंट है सपोर्ट से वह एक्स बी है। ठीक, मैं और बड़ा करता हूं इसको, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, सो लेट अस मेजर द डिस्टेंसेस फ्रॉम विथ रिस्पेक्ट टू सपोर्ट, जैसा कि हमने किया है। लेट्स टेक एल इज द लेंथ ऑफ पुली, सॉरी लेंथ ऑफ द रोप, लेंथ ऑफ द रोप। As the length of the rope L going around the pulleys and the distance of the pulley P from the support is constant, then we can write it as L is equal to XA minus XP plus XB minus XP plus XB. You can see this length plus this length plus this length is a length of pulley. XA minus XP plus XA minus XP, this length, XB minus XP, XB minus XP, this length plus this length n plus xb, this is xa minus xp, this is xb minus xp and this length is xb। तीनों को जोड़ते हैं तो हमको आता है लेंथ ऑफ द रोप। ये जो अराउंड द पुली हम जो है उसको हम नेग्लिजिबल मान रहे हैं और नहीं ले रहे हैं। इसको सॉल्व करते हैं, L इज इक्वल टू एक्स ए प्लस टू एक्स बी माइनस टू एक्स पी, फर्दर एक्स ए प्लस टू एक्स बी इज इक्वल टू एल माइनस टू टाइम्स एक्स पी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं। ठीक है, अगर मैं ब्लॉक ए को डेल्टा एक्स इंक्रीमेंट देता हूँ, ब्लॉक ए को डेल्टा एक्स नीचे ले जाता हूँ, ठीक है, तो मेरा ब्लॉक बी जो है वो दो टाइम टू टाइम्स जो है वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है, अगर ब्लॉक नीचे आता है इंक्रीमेंट, तो डेल्टा एक्स को मैं ब्लॉक ए को डेल्टा एक्स डिस्टेंस नीचे लाता हूँ, ठीक है, तो मेरा ब्लॉक बी भी ऊपर जाएगा। ठीक है, ब्लॉक ए अगर नीचे आता है तो ब्लॉक बी ऊपर जाएगा। अब वो कितना ऊपर जाएगा, ठीक है, तो वो जाएगा आपका, ये इसको इक्वेशन नंबर वन बोलते हैं। अगर मैं डेल्टा एक्स इंक्रीमेंट लेता हूं ब्लॉक ए को, ठीक है, तो ब्लॉक बी के साथ क्या होगा, ठीक है, डेल्टा एक्स जितना जाएगा नीचे, ठीक है, उसका डबल डेल्टा एक्स भी जाएगा, उसका हाफ, सॉरी, डेल्टा एक्स भी जाएगा, मतलब हम इसको लिख सकते हैं टू टाइम्स
डेल्टा एक्स बी एक के ऊपर जाने से दूसरा नीचे आ रहा है, इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए ये माइनस में होगा। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स बी माइनस डेल्टा एक्स ए अपॉन टू इक्वेशन नंबर टू। और इसके पीछे का रीजन लिखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक बी इज हाफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक ए एंड इज इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक, तो ये एक इक्वेशन हो गया। अब आते हैं इक्वेशन नंबर वन, ये है इक्वेशन नंबर वन। इक्वेशन नंबर वन मैं फिर से लिखता हूं, एक्स ए प्लस टू एक्स बी इज इक्वल टू एल माइनस टू एक्स बी, ये इक्वेशन वन है। इस इक्वेशन वन को क्या करता हूं, ये एल है, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी, तो ये होगा डी एक्स ए अपॉन डी टी टू डी एक्स बी अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो। दिस इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ ए प्लस टू टाइम्स वेलोसिटी ऑफ बी इक्वल टू जीरो। तो वेलोसिटी का रिलेशन क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस पी ए बाई टू। ये एक आंसर हो गया वेलोसिटी का रिलेशन। इसको अगेन फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स ए अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस टू डी स्क्वायर एक्स बी अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। दिस इज नथिंग बट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए प्लस दिस एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी। तो रिलेशन क्या आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए इज इक्वल टू, सॉरी, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी इज इक्वल टू माइनस हाफ ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए। अगेन दिस इज द रिलेशन, सो आंसर। सो दिस वॉज अ क्वेश्चन, और इसका आंसर आ चुका है।